गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक लेट्स लर्न इंग्लिश का बुक का चैप्टर नंबर 7 थॉमस अल्वा एडिसन का रेस्ट पार्ट जो बाकी बचा हुआ था। इसमें हमने ये पढ़ा था कि एडिसन को क्वेश्चन पूछने का शौक था। उनकी मदर एक स्कूल टीचर थी, वो भी उसकी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाती थी। एडिसन जब 22 साल के हुए तो वे न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ वो दिन में तो अपने लिए जॉब ढूंढते थे और रात को गोल्ड कंपनी के बेसमेंट में सोते थे। एक बार उनकी गोल्ड कंपनी वालों की मशीन खराब हो जाती है, सोने से पहले वो हमेशा उस मशीन को देखने जाते थे, तो इसलिए उन्होंने मशीन को ठीक कर दिया ताकि वो और अच्छा काम कर सके। इसके लिए कंपनी उन्हें नौकरी भी दे देती है और इसके लिए उन्हें 40,000 की सैलरी भी देना शुरू कर देती है। इससे हम आगे रीड कर रहे हैं। लेटर ही फॉर्म्ड अ टीम हु हेल्प्ड हिम विद मैनी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई जो कि उन्हें हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के लिए हेल्प करती थी। वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वॉज टू इन्वेंट अ लाइट बल्ब। उनका एक एक्सपेरिमेंट था लाइट बल्ब को इन्वेंट करना। ही वर्कड ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो इसके लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे। फाइनली ही मेड अ परफेक्ट ग्लास बल्ब। अंत में उन्होंने एक ग्लास बल्ब बना लिया। ही गेव द लाइट बल्ब टू हिज यंग असिस्टेंट एंड सेड। उन्होंने उसे अपने छोटे असिस्टेंट को दिया और कहा, जिमी टेक इट अपस्टेयर्स, अब इसे ऊपर ले आओ। लेट सी इफ इट वर्क्स, देखते हैं कि क्या यह काम करता है। सून आफ्टरवर्ड्स ही हर्ड अ क्रैश। जल्दी ही उन्हें एक क्रैश सुनाई देता है। क्रैश का मतलब होता है टूटना। द लाइट बल्ब हैड स्लिप्ड फ्रॉम जिमीज हैंड। वो जिमी के हाथों से छूट गया था एंड शटर्ड ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बिखर गया। जिमीज आईज स्वेल्ड विद टीयर्स। जिमी की आंखें रो रो कर सूज गई थी। अ फ्यू मिनट्स लेटर एडिसन सेड, ऑल राइट जिमी, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। कुछ समय बाद एडिसन ने उसे कहा, कोई बात नहीं जिमी, चलो आओ काम दोबारा शुरू करते हैं। देयर इज अ लॉट वी स्टिल नीड टू डू। अभी भी बहुत सारा काम पड़ा है जिसमें हमें काम करना है। दे वर्क हार्ड टू मेक अनदर लाइट बल्ब। उन्होंने फिर से बहुत मेहनत की और एक नया लाइट बल्ब बना लिया। फ्यू डेज लेटर द न्यू बल्ब वॉज रेडी। कुछ ही दिनों में न्यू बल्ब भी तैयार हो गया था। एडिसन कॉल्ड हिज असिस्टेंट, ही गेव द बल्ब टू हिम एंड सेड। एडिसन ने अपने असिस्टेंट को बुलाया, उसे बल्ब दिया और कहा, जिमी लेट्स टेस्ट दिस थिंग आउट, इसकी दोबारा से जांच करते हैं। प्लीज ब्रिंग इट अपस्टेयर्स फॉर मी, इसे दोबारा मेरे पास ऊपर ले आओ। थॉमस वॉज इंडीड अ ग्रेट मैन बिकॉज ही फॉरगेव जिमीज मिस्टेक। थॉमस बहुत ही ज़्यादा महान आदमी थे कि उन्होंने जिमी की मिस्टेक को माफ़ कर दिया था। देखिए, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा तो होते हैं, लेकिन जिसका नुकसान होता है ना, वो हम पे चिल्लाता है, उसे डांटता है, हमें डांटता है क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन एडिसन इतने महान आदमी थे कि उन्हें अपनी इन्वेंशन खराब होने के बाद भी गुस्सा नहीं आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ट्राई टू फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।